सो फाइनली मेरे पास पैकेट आ चुका है सेविक्स की तरफ से, और ये मैंने मंगाया था अभी परसों मंगाया था आई गेस परसों, हाँ मेरे यहाँ पे तीसरे दिन मेरे पास पहुँच चुका है, मतलब कल दूसरा और तीसरा, हाँ। तो गाइज़ फायरबोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इस तरीके से आप यहाँ पे अर्ली डिलीवरी ले सकते हो, और ये अच्छी बात है, मतलब फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी सर्विस है मतलब उसको मैच कर रहा है डेफिनेटली ये, और प्रॉपरली सिक्योरली मेरे पास रिसीव हो चुके हैं। और इसके ऊपर एक और पैकिंग थी, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पे मैंने दो बर्ड्स मंगाए थे, एक एक्सपीरियंस देना चाहता था आपसे क्योंकि कैसे आप मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको बाय किया एक्चुअली, तो बाय करके कैसे आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है और श्योरली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, जो भी मैं लिंक शेयर करता हूँ आप वहाँ से बाय करते हो तो आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट मिल जाता है। तो गाइस इसको ओपन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे खोल सकते हो ठीक है, और यहाँ पे आपको बर्ड्स मिल जाते रखे हुए, देख सकते हो दोनों बर्ड्स रखे हुए हैं, और थोड़ा सा बड़ा डब्बा होना चाहिए था मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा छोटा डब्बा दिया इसमें इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे ये रहे दो बर्ड्स, एक तो ये वाले 402 और हमारे 201। चलिए इनको हम चेक करते हैं। सो गाइस पहले तो हमारे पास आते हैं निंजा 402 ठीक है, और इस तरीके से मिल जाते हैं ये, आपको पता है कितने के मिल रहे हैं, ये आपको 1199 रुपये के मिल रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से आप ग्रैब कर सकते हो, वैसे फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। और दूसरे हैं ये वाले जो फायरपॉड्स निंजा 201 है, ये आपको 799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी डील है और सुपर कॉम्पैक्ट है, 24 घंटे का प्ले टाइम है। इस तरीके के एक और बर्ड्स मिलते हैं जो नॉइस के मिलते हैं, नॉइस के बर्ड एयरबर्ड्स मिनी जो है, बट उसमें बैटरी बैकअप बहुत कम है, मतलब 13 घंटे का ही मिलता है, यहाँ पे आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप है। तो एक ही वीडियो में हम दोनों को ही अनबॉक्स कर देंगे, कौन से करें पहले, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे छोटे वालों को। यहाँ पे आपको दो सील्स मिल जाते हैं इधर की साइड से ठीक है, और इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, इस बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको फ्लैश हो रहा होगा टेकबुक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत सारे लोग डील्स का मजा उठा चुके हैं। और गाइस शेयर करना ना भूलें, इस तरीके की वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहते हैं। अब देखो मैंने ऑर्डर किए हैं आप सभी को एक्सपीरियंस कराने के लिए, ताकि मतलब आप भी बाय करो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, ताकि यहाँ पे प्रॉपरली आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाते हैं और आप ग्रैब कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से ठीक है। और कुछ वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूंगा, जैसे कि बोट के, नॉइस के, तो जहाँ पे आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, ओके सुपर टाइनी है गाइस, एकदम छोटे से हैं, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूज़र मैनुअल है टाइप का, और यहाँ पे क्या मिलता है, ओके ये यूज़र मैनुअल है, और कुछ कूपन ओपन मिल जाते हैं एक्चुअली। तो हम देखते हैं यहाँ पे मेन जो बर्ड्स हैं हमारे, यहाँ पे ये रहे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और एयरबड्स जो मिनी है ना उतने ही कॉम्पैक्ट हैं बेसिकली ये भी ठीक है, और यहाँ पे ये चार्जिंग केबल मिल जाती है। तो गाइस चलिए बर्ड्स पे आते हैं डायरेक्टली, ये रहे हमारे बर्ड्स इटसेल्फ, और यहाँ पे देख सकते हो मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट नॉइस के एयरबड्स मिनी से थोड़ा सा यहाँ पे केस की क्वालिटी में कहूँगा डाउन है, डल है। और यहाँ पे ये रहे बर्ड्स की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। यहाँ पे स्टेम कंट्रोल मिलता है आपको उसमें, और काफ़ी लाइट वेट है, और यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक की बिल्ड मिलता है, बट यहाँ पे जो मेटल का मैश है वो देखने को मिल जाता है। और ये रहा केस गए सरप्राइजिंगली यहाँ पे उतना हैवी भी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे 24 घंटे का प्ले टाइम मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा इसमें ये चीज़। और इस तरीके से यहाँ पे चार्जिंग LED मिल जाती है आपको ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नीचे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, ये भी अच्छी बात है, और ऊपर की साइड से यहाँ पे कोई लैमिनेशन है क्या, थोड़े से स्क्रैचेस हैं गाइस इसमें, एज सच डब्बे पे से आगे होगा, वैसे तो वैसे ब्रांड न्यू है, एज सच कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलिए गाइस दूसरे को चेक कर लेते हैं, दूसरे बर्ड से हमारे पास ये है फायरपॉड्स निंजा 402। तो यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, ये एक पॉली रैप है, इसको आपको ओपन कर लेना है, दैट्स इट। मेन मैं इसके एक्साइटेड हूँ, ये आपके थोड़े से महंगे आते हैं ना, ये ऑन ऑफर मिल रहे हैं, समर सेल पे मिल रहे हैं आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे समर सेल पे मिल रहे हैं ये आपको 1199 में, वैसे 1500 के मिलते हैं आपको, ऑन फ्लिपकार्ट भी आपको सेम प्राइस में ही मिल रहे हैं ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आप सभी के लिए, यहाँ पे एक बड़ा सा वो मिल जाता है, और यहाँ पे दो कलर में आते हैं बेसिकली, ये वाइटिश में और एक ब्लैक और रेड में, 400 mAh केस है इसका, और यहाँ पे आपको आई गेस 30 घंटे का बैटरी लाइफ है कि 24 घंटे का इसमें एग्जैक्टली, यहाँ पे इधर को तो कहीं मेंशन नहीं है, बट इसमें गेमिंग मोड बोलता है प्रॉपरली ठीक है। और इसमें जो है आपका आई गेस गेमिंग मोड, इसमें गेमिंग मोड नहीं है बेसिकली, सुपर सिक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे गेमिंग मोड नहीं है, तो इसमें है बेसिकली निंजा 402 में। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाता है, और गैस यहाँ पे इसकी पैकिंग थोड़ी सी बेटर है मेरे ख्याल से,
ये पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से एकदम आया है वो भी मतलब यहाँ इसमें ये लेमिनेशन टाइप का दिया गया है और यहाँ पे ये टाइप सी केबल मिल जाती है, दैट्स इट। और गैज इसको हम रखते हैं साइड में। और ये पीछे क्या है, ओके एक्स्ट्रा ये टिप्स मिल जाती हैं, उसमें तो ये टिप्स मिलती नहीं आपको क्योंकि ये आपका वो वाला है ना एक्चुअली, ये इन ईयर वाला टाइप का, वो थोड़ा सा एप्पल टाइप के लुक में है। और इसको हम निकाल लेते हैं, ओके पूरा प्रॉपर पैक्ड है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर लग रही है मेरे को, मतलब उससे तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग है। और ये रहा इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है इधर की साइड से, बोल्ट का लोगो है बेसिकली। और यहाँ पे मेटल का मैश मिलता है कि क्लोथ का, देख लेते हैं, ओके क्लोथ का मैश मिलता है, बट अगेन ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है प्लास्टिक की क्वालिटी उसके कंपेरिजन में। और यहाँ पर ये मिल जाता है केस, ओके ये प्रॉपरली पैक हो के आया है। और यहाँ पे केस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, देख सकते हो यहाँ पे हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है डेफिनेटली गाइज। दो कलर शेड्स जो है ना इसके वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये चार्ज होने लगे इस तरीके से, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको मॉडल नंबर ये सब मिल जाता है, नीचे की साइड से आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा है गाइज ये यहाँ पे इस तरीके से। अब गाइज यहाँ पे ये तो हो गई अनबॉक्सिंग दोनों ही बर्ड्स की, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों की साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइनी वाले को देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें कितनी क्या मिलती है, मतलब आपको कैसी क्या साउंड क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हो निंजा 201, इसको हम पेयर करते हैं। ओके पेयर हो चुके हैं ये, डन। अब गाइस साउंड सुनते हैं इसकी। सो गैस यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। अब गैस आगे आप साउंड सुनो इसकी कैसी मिलती है आपको, ठीक है खुद ही। सो गैस काफ़ी अच्छा जो इसमें बास है वो मिलता है आपको, और डेफिनेटली यहाँ पे थम्पिंग बास मिलता है थोड़ा सा, बट साउंड ना हल्की सी मफल्ड आ रही है इसमें, मतलब हल्की सी दबी दबी सी आ रही है ओवरऑल, बट बास अच्छा मिलता है डेफिनेटली ओवरऑल। अगर मैं लाउडनेस और करता हूँ, एकदम फुल करता हूँ, तो डिस्टॉर्ट हल्का सा लग रहा है, मतलब डिस्टॉर्ट हो रहा है। और यहाँ पे साउंड सेपरेशन भी अच्छा है, यहाँ पे प्रॉपरली वोकल्स क्लियर हैं एकदम। तो गाइस यहाँ पे डेफिनेटली साउंड सिग्नेचर अच्छा मिलता है इसका एज सच, मतलब अदर ब्रांड्स की तरह नहीं मिलता, मतलब एकदम हाई फाई बेस नहीं मिलता, बट जो आपको कह सकते हो बजट रेंज में जो है ना उस तरीके से मिल जाते हैं, जैसे इंडियन यूजर्स को पसंद है ओवरऑल। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है। गाइस फाइनली इसका भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें कैसी क्या साउंड क्वालिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेयर करेंगे, ओपन करते हैं। थोड़ा सा मैं खुद भी सुन लेता हूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी कैसी मिलती है, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस साउंड सिग्नेचर इसका भी अच्छा है यहाँ पे, बास थोड़ा सा कम है अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ उस वाले से, तो 402 प्रो में थोड़ा सा बास कम मिलता है, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली। यहाँ पे वोकल्स क्लियर हैं, और यहाँ पे म्यूजिकल जो मतलब नोट्स हैं ना वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। हाई नोट्स में मतलब हाई वॉल्यूम में डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे हैं इसमें बिल्कुल भी, बट डेफिनेटली यहाँ पे साउंड सिग्नेचर अच्छा है। बट अगर मैं बात करूँ उनसे कंपेयर करूँ तो उससे कम इसमें लाउडनेस मिलती है, ये है कहीं ना कहीं, ठीक है। और वैसे भी टच कंट्रोल तो मिल जाते हैं इसमें आपको, टच कंट्रोल से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो सॉन्ग वॉन्ग को, प्ले पॉज कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे, सपोज मैं एक बर्ड्स निकाल लेता हूँ, प्ले हो रहा है, फिर से टैप करके ऑफ हो रहा है, डबल टैप करके म्यूज़िक चेंज हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे। और आपको मतलब अगर उस पे जाना है गेमिंग मोड पे, तो दोनों ही बर्ड्स को आपको होल्ड करना है 3 से 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप गेमिंग मोड पे जा सकते हो। और उसमें चेक कर लेते हैं उसमें कैसे क्या मिलता है यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ,
तो देखते हैं यहाँ पे कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आ जाना चाहिए अभी। ओके कनेक्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसमें कैसे क्या मिलती है आपको कंट्रोल्स। यहाँ पे इसमें मिलते हैं, स्टेम में मिलते हैं बेसिकली। यहाँ पे प्ले पॉज हो रहा है एक बार टैप करने पे, डबल टैप करने से यहाँ पे वो हो रहा है चेंज हो रहा है एक्चुअली। ये देखो सिंगल टैप से स्टॉप हो रहा है, डबल टैप से चेंज हो रहा है। ठीक है तो टच कंट्रोल यहाँ पे भी काम करते हैं पर कट कट की आवाज़ आती है एक्चुअली इसमें, जैसे आपको उसमें मिलती थी ज़ेब्रोइंस के साउंड बॉम 3 हैं उस तरीके से इसमें भी साउंड मिलती है। ठीक है सो गाइस बात करें कॉल क्वालिटी की तो मेरे को इससे बेटर लगी इसमें, इसमें कॉल क्वालिटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब आप अपने बर्ड से बात कर रहे हो, इसमें ऐसा नहीं लगता है, यहाँ पे ऐसा लगता है फ़ोन से बात कर रहे हो इस वाले से बात करते हो तो। बट ये मैंने चेक किया है क्लोज्ड रूम एनवायरनमेंट में, बट अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में जाते हो, ट्रैफिक वैफिक में बात कर रहे हो कहीं आप हो जहाँ पे शोर ज़्यादा है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी में भी ANC का सपोर्ट नहीं मिलता, ENC का मिलता है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। तो ठीक है यहाँ पे जिस प्राइस ब्रैकेट में मिलता है ये मेरे को ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग लगे, और इसका जो ओल्ड शेप का है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट ये टाइनी मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ये पॉकेट फ्रेंडली हैं बेसिकली। ठीक है ये मिल जाते हैं आपको 799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, आई गेस 800 में, हाँ 799 में, और ये मिलते हैं आपको 1199 में। तो आप ग्रैब कर सकते हो, दोनों में से परफेक्टली बेटर कौन से हैं तो कॉल के लिए लेना चाहते हो तो ये वाले, और वैसे अगर आपको टाइनी बर्ड्स चाहिए तो ये काफ़ी बेटर हो सकते हैं। ठीक है और एक चीज़ और ध्यान रखनी, इसमें आपको ये वाले टाइप के मिलते हैं ये वाले, तो ध्यान रखना ये लॉन्ग सेशंस के लिए कान में दर्द होने लगता है, बट इसमें आपका लॉन्ग सेशंस पे पहन तो कहाँ गए इसके बर्ड्स, मैंने कान में लगा रखे हैं तो ये कान में लगा के तब भी यहाँ पे दर्द नहीं होगा लॉन्ग सेशंस के लिए, तो ये अच्छी बात है। ठीक है तो ये अच्छे हैं। और गाइस ये था एक डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग फायरबोल्ट के जो बर्ड्स हैं। अगर आपका क्वेरी इन दोनों बर्ड्स के रिलेटेड कुछ भी रहता है तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कूपन कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा नॉइस के बोर्ड के फायरबोल्ट के, आप जाके चेक कर लेना, आपको अप टू 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस गाइस कूपन कोड अप्लाई करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसी पे आपको जाना है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।